अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें था कि ऐसी नॉलेज, ऐसी बातें शेयर की जाएं जो शायद थोड़ी सी रूटीन से हटकर, और कुछ हमारे ऐसे गेस्ट स्पीकर हों कि जिनसे हम नॉलेज ले सकें। एक टाइम था कि हम लोग कहते थे कि पाकिस्तान में नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही, बट आई थिंक सो अब नॉलेज शेयरिंग हो रही है, लेकिन शायद सुनने वाले कम हो गए हैं। बट आज का प्रोग्राम जो है हमारा, एक बहुत अच्छे हमारे साथ नूर मशहूद साहब मौजूद हैं जो लीडरशिप कोच, पब्लिक स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, और इसके साथ साथ वो एक बहुत हम्बल और वो इंसान कि जो लीडर्स बनाना और जिनको लीडर्स की समझ, और कहना चाहिए कि वो ये बात समझ सकते हैं कि लीडर्स में क्या है, लीडर का बिहेवियर, लीडर को कैसे डेवलप किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं नुज़हत? आप ठीक ठाक हैं? अलहमदुलिल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर काइंड, फॉर योर टाइम। इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। और मेरे लिए बड़ी फखर की बात है, और मैं समझता हूँ कि जब कोई आपको इनविटेशन दे तो इसका मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली गिविंग वैल्यू टू दैट पर्सन, सो दैट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप मुझे थोड़ा सा अगर इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए आप खुद से करवा दें, आई वुड बी ग्रेटफुल, कि शायद मैंने वो बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, और ये लीडरशिप का जो जर्म्स है या जो कीड़ा आया, ये कैसे आया? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले मुख्तसर सा तारुफ करा दूं। नूर महसूद मेरा नाम है, और अक्सर मैं ये नाम इस्तेमाल करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे मेरा पूरा नाम नूर अहमद खान है। अच्छा, बैकग्राउंड जो है, डेफिनेटली मैं काफी दफा बयान कर चुका हूँ मुख्तलिफ पॉडकास्ट के ऊपर, मुख्तलिफ अपने लेक्चर्स के दौरान, अपने इंटरव्यूज के दौरान, लेकिन चलो फिर एक दफा अपने ऑडियंस के लिए। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर KPK से है, और काफी अरसा मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ सूबों में गुजारने के बाद, लाइक द अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट दो ईयर्स इन KPK, देन आई शिफ्टेड डाउन टू सिंध बलोचिस्तान। वहां तकरीबन 10 साल का अरसा वहां गुजरा, एंड फाइनली आई लैंडेड हियर इन पंजाब एंड लाहौर, पाकिस्तान का दिल। तो यहाँ तकरीबन मुझे हो गए हैं लगभग ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। सो हम कह सकते हैं कि आप और प्योरली लोहड़ी हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं जब लोकल यहाँ की जुबान बोलता हूँ, पंजाबी जुबान बोलता हूँ, तो कोई नहीं पहचान पाता कि ये यहाँ का नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा अल्लाह ने ये एक सलाहियत दी है कि जब मैं कराची में होता था, कराची में मैं भी तकरीबन 2-3 साल में रहा हूँ, तो वहां पे भी कोई नहीं पहचान सकता था कि ये बंदा कराची का नहीं है। इसी तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 जुबानों पर अबूर हासिल है, तो ये खास अल्लाह का करम है, और मेरे लिए काफी आसानी होती है मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने का। ये खास अल्लाह की मेहरबानी और उसकी सलाहियत है जो उसने अता की। और जो एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है, इंटर करने के बाद मैंने CA जो है उसको ज्वाइन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA इंटर किया, आर्टिकलशिप कंप्लीट की, उसके बाद कुछ अरसा कॉरपोरेट, और फिर बाद में मैं फाइनली बिजनेसमैन हुआ एज एन एंटरप्रेन्योर। मुख्तलिफ बिजनेसेस किए, 8 से 10 बिजनेसेस किए, उसमें 2-3 कामयाब हुए, बाकी सारे के सारे नाकाम हुए, तो अच्छा खासा नुकसान भी हुआ, लेकिन जो कामयाब हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर कमाया भी। अच्छा नूर साहब, तो इस आपने किस्म ये की कहा एक है कि इसमें। आपका कॉर्पोरेट से टुवर्ड्स बिजनेस, एग्रीड। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, आई नो द वे कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट क्रिएट किया जाता है कि जी हम लोग कहते हैं कि जी हम जॉब पहले करें, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एंटर हो, और बिजनेस ओरिएंटेड माइंड नहीं बनाया जाता। आपके माइंड में ये बात कब आई एज लीडर, क्या आपको लगा कि नहीं मुझे अब कुछ करना है और अपना कुछ करना है?
चाहे उसमें नफा हो चाहे नुकसान हो। देखिये, बहुत मुश्किल मरहलात होते हैं जिंदगी के, उसमें या बंदा बन जाता है या बंदा खत्म हो जाता है, मेक और ब्रेक की सिचुएशन होती है, और आपने बहुत केयरफुल तरीके से कदम उठाने होते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन है, उसमें जो रिस्क है वो कैलकुलेट होना चाहिए आपकी जिंदगी में, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर रिस्क नहीं होना चाहिए। यानी जिसको मैं कहूंगा कि खुदकुशी करने के बराबर के मुतादिफ है वो, कि अगर आप कोई कैलकुलेशन ना करें और अंधाधुंध आप कोई काम शुरू कर दें तो वो काम ठीक नहीं होता। अब ये क्वेश्चन कि पहले हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें या कि पहले हम जॉब करें, ठीक है, ये एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। और आप इसके लिए जरूरी है कि आपका जो आपकी इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, खासतौर पे आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो किस मिजाज के हैं, किस तरह हैं, वो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस इलाके से बिलोंग करते हैं, आपका जो कल्चर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ में आपकी जिंदगी में आप लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल जी जी हाँ, लेकिन मतलब ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए, पूरा एक माहौल चाहिए, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपकी हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी ये नहीं है कि कोई एक शख्स उठ के बागडोर संभाल ले, बिल्कुल, चाहे वो आप हो या कोई और हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है, जो लोग होते हैं, वो सब मिलके वो कहते ना कि इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड, एक्चुअली, ठीक है। एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके ऊपर जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से जो फैक्टर्स फोर्सेस हैं, जो आप जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको सामने रखते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना फैसला कर सके। बहुत सारी चीजें हैं, यानी आप एक समझ लें कि कोई एक खास एरिया, एक खास जोज नहीं है अपनी जिंदगी का जिसको फोकस करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने हॉलिस्टिकली देखना होता है अपनी जिंदगी को। तो वो सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करते हैं, तब आप इस काबिल होते हैं कि आप फैसला करें, डिसीजन मेकिंग करें। और ये कोई आसान काम नहीं है। जो को मैं तरक्की याफ्ता है इस वक्त, तो उनके बच्चों को या उनके नौजवानों को एक पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, रेडीमेड एनवायरनमेंट है, जो उनके बुजुर्गों ने या उनके जो बड़े हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, इतनी कुर्बानियां दी हुई हैं कि जो नई नस्ल है उनको एक पेडेस्टल या एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिला हुआ है। अब उनका कमाल यह है कि उसको आगे वो कितना फ्लरिश करते हैं, कितना आगे लेके जाते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि हमें जारी बात है जॉब भी करनी है, जॉब जो आपका जॉब का टाइम है, दैट इज रियली वेरी क्रूशियल। आपको बहुत ज्यादा इसको फोकस करना पड़ता है ताकि आप जो आपकी स्किल है, स्किल सेट है, वो डेवलप हो सके। आप उस स्किल सेट के जरिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो बहरहाल अब आगे इसके ऊपर मजीद में बात करूंगा। बहरहाल ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। इसमें आज हमारा जो स्पेसिफिक हम जिस टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, लीडरशिप के अंदर जिस अम्ब्रेला को हम लेके चलेंगे, बेसिकली वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फैक्टर होगा। और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करती हूँ, और उसमें वी विल ट्राई कि हम रियल टाइम आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका कॉर्पोरेट प्लस आपने बहुत सारे लीडर्स को आपने ऑफकोर्स बनाया, उनको एक कहते ना कि प्रॉपर एक ढांचा उसमें समा दिया उसको, तो हम उसको लेके आ चलते हैं। आपके यहां से लीडर्स के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कौन से की कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं? ठीक है जी, सबसे पहले तो ये आप क्लियर करें कि लीडरशिप जो है उसके लिए वो कौन से टूल्स हैं जो मिलके किसी शख्स को लीडर बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। पहली चीज तो हम उस चीज को फोकस करें, जब हम इस चीज को फोकस कर लेंगे तो फिर हम एक होलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो हमारी डेवलप हो जाएगी। और उसमें तीन चीजें जो बहुत ज्यादा अहम है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि लीडरशिप में विजन का बहुत अहम किरदार है।
ठीक है यानी बसीरत, एक तो होती है बसारत आपकी जो अब बायोलॉजिकल एबिलिटी है आपकी आंखी को देख सकती है, तो बसारत जो है वो भी जरूरी है, लेकिन बसीरत जो है वो भी जरूरी है, बसीरत भी होनी चाहिए, बसारत भी होनी चाहिए, बसीरत भी होनी चाहिए, दोनों एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में अहम है। तो अगर विजन है तो विजन जो है वो आप अकेले अचीव नहीं कर सकते बेसिकली, यानी इस वक्त जब इंसान दुनिया में आता है तो वो किसी सहरा पे नहीं पैदा होता, वो साहिलों पे नहीं होता, किसी बयाबानों में नहीं होता, वो ऑलरेडी एक तमद्दुन दुनिया में पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑलरेडी लोग वहां मौजूद होते हैं, एक सिस्टम रन हो रहा होता है, वो दुनिया में आता है और वो उस सिस्टम का उस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा बन जाता है, बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात है कि ये जो विजन है, ये जो आपने पिक्चर ऑफ द फ्यूचर जो आप देख रही हैं इस वक्त, कोई भी शख्स जो लीडर है वो जो देखना चाहता है, अब वो विजन बगैर टीम के अकॉम्प्लिश नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्रीड, ठीक हो गया। True. तो उसके लिए आपको एक टीम चाहिए, उसके लिए आपको एक लोग चाहिए, और वो जो विजन आपके दिल और दिमाग पे जिस तरह हावी है, जिस तरह आप उसको देखते हैं, उसको उसी तरह दूसरे के दिल और दिमाग पे वो हावी करना, यानी उसके दिल में डालना, उस शख्स के लिए निहायत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, वहां पे फिर कम्युनिकेशन का जो मैदान है, कम्युनिकेशन की जो बैटल फील्ड है, यहां फिर आपको उससे वास्ता पड़ता है कम्युनिकेशन। बिल्कुल ट्रू। यानी देखें, आपने आपका अपने उस विजन के जरिए लोगों को विजन को आपने लोगों के साथ शेयर करना है ना। अब आपका देखिए, हम इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, विजन, टीम, विजन और प्लस आपका कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें मिलकर। मसला ये है कि जब जी थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं अपनी बात को, तो फिर उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे आपके, कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने कम्युनिकेट किया फरिश्तों के साथ, वाइस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो ये कम्युनिकेशन हुई। अच्छा, वो अल्लाह सुब्हान व तआला का एक विजन था और उस विजन को अल्लाह सुब्हान व तआला ने कम्युनिकेट किया, ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला को भी अपने विजन को कम्युनिकेट करना करना पड़ा, शेयर करना पड़ा फरिश्तों के साथ। बिल्कुल ट्रू, ठीक। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल, बिल्कुल। कम्युनिकेशन है ज्यादातर हम अच्छा कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन का जो असल जो 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 उसकी मीनिंग है, जो लफ्ज कम्युनिकेशन जो लफ्ज आया है, ये जारी बात है लातिनी और उसके बाद फ्रेंच इसे होता ये इंग्लिश जुबान में ये लफ्ज कम्युनिकेशन आया है। तो कम्युनिकेशन का मकसद ये है टू शेयर कम्युनिटी, हम ये लफ्ज सुनते हैं माशरा, तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है टू शेयर, यानी वो विजन जो आपके ज़हन के अंदर है, जो पिक्चर आप फ्यूचर की आप देखना चाहना, उनके दिल में उस बात को उतारना, उसी तरह जिस तरह आपके जहन में है, आपके दिल में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ में रखती है। बिल्कुल। तो सही मानों में कम्युनिकेशन उस वक्त, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त होती है कि जो दिल से बात निकले वो दिल तक पहुंचती है। तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए एक लीडर के अंदर कि वो जो पिक्चर देखना चाहता है उसको उसी तरह अगले के दिलो दिमाग में डाल ले, तो फिर ही वो अचीव होगा। तो इस वजह से कम्युनिकेशन इंतहाई जरूरी है टू शेयर, ठीक है। और जो हम इसमें बात कर रहे हैं कि उसमें जो की कंपोनेंट्स आपने निकाला कि बेसिकली आपका शेयरिंग फैक्टर आता है कि जिसके थ्रू आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके, आपकी बाउंडिंग बन सके। जी जी, यानी कि ये तो इसकी बुनियाद होगी ना कि आप बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है, इसकी रीजन यानी पर्पस हो गया। अब कम्युनिकेशन का मकसद हम उमन ये लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है हम लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि कम्युनिकेशन यानी जब शेयरिंग की बारी आती है तो उसमें आपका सब कुछ आता है, यानी आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो दौलत है, आपके पास जो जो पावर्स हैं,
यानी जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको अता किया है, ट्रू, जो कुछ भी आपने, ये सब का सब लोगों के साथ शेयर करना है। सही, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आपको उसको कम्युनिकेशन को उसके ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये फायदा होगा कि आप जिंदगी की जो पूरी पिक्चर है उसको समझने की अहलियत आपकी बहुत बढ़ जाएगी। यानी आप देखें, जो एक सिस्टम होता है ना, एक निजाम होता है, वो आपस में जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है, तो वो निजाम चलता कैसे है बेसिकली? देखिए मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क है, इस मुल्क में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, तो जब तक ये इदारे एक पेज पे नहीं होंगे, आपस में इनकी एक पे कनेक्शन नहीं होगा, सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, तो आप ये मुल्क चल नहीं सकता। तो इस कम्युनिकेशन बहुत वसी है, कम्युनिकेशन को हमें उसके जो सही माने हैं अगर हम वो दे दें तो हम एक तो लीडरशिप के तस्वुर को बगैर कम्युनिकेशन के तस्वुर के हम समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक दरख्त हो ना, फलदार दरख्त, तो फलदार दरख्त यानी दरख्त जो है वो क्या करता है कि वो फोटोसिंथेसिस से, सूरज की रोशनी और जमीन से जो नमकियात हैं उसके प्रोसेस से ग्लूकोज पैदा करता है दरख्त। अच्छा, वो जो ग्लूकोज है, वो एनर्जी है, वो तमाम पत्तों में दरख्त बराबर बांट देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहां तक भी बात नहीं रहती, बल्कि जो ग्लूकोज, जो एनर्जी बच के रह जाती है, बच जाती है, उसको दरख्त फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है, और वो फ्रूट भी दरख्त अपने पास नहीं रखता, वो शेयर करता है मखलूक खुदा के साथ। बिल्कुल जो हम लोग हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का तस्वुर है ये बहुत वसी है, बहुत जबरदस्त है। और बाद में अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन के चूंकि डिफरेंट लेवल्स हैं तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें एक खासतौर पर मेरा पब्लिक स्पीकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो चूंकि उसका एक लेवल है, 5 लेवल्स हैं, उसमें से एक लेवल जो है पब्लिक स्पीकिंग का है। तो बहरहाल ये सबसे अहम की आप कह लें कि फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर, टू शेयर एंड टू शेयर एवरीथिंग, टू शेयर एवरीथिंग, ठीक है। और उस, हाँ, और उसका ताल्लुक विजन के साथ निहायत जरूरी है, यानी विजन के बगैर आपने पता नहीं कम्युनिकेट करना कैसे, आई डोंट नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजन एंड देन कम्युनिकेट, शेयर दैट विजन विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। ट्रू।